सोशल फोबिया या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा मिशन है। हमारे यहाँ मेंटल पेशेंट्स या अल्कोहलिक्स जो आते हैं वो बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं, रिश्तेदार उनके साथ में भर्ती करते हैं, उनका इलाज कर लेते हैं। लोग ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करते हैं, जिससे हम उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन करके उनको सलाह मशवरा उनको देते हैं, करते हैं और अच्छे हो जाते हैं। ये जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोबिया है, सोशल फोबिया बोलते हैं इसको, कि जिसमें वो व्यक्ति को लोगों में जाने का डर लगता है। वो घर के बाहर निकलता नहीं, अपरिचित लोगों में जाता नहीं है, अपरिचित लोगों में जाएगा नहीं, उनसे मिलेगा नहीं, या ज़्यादा वहाँ ऐसे लोग होंगे कि जहाँ लोग उसको पहचान देने वहाँ वो क्राउड में या वो जगह जाएंगा नहीं वो, और वो वहाँ टालते जाएंगे जगह, मतलब वो वहाँ बहुत लोग हैं तो वहाँ कोई फंक्शन है या कोई शादी है, कोई उत्सव मना रहे तो वहाँ जाएंगा नहीं, या उसको कहीं स्पीच देने का है तो वहाँ जाएंगा नहीं वो, मालूम है कि उसको कुछ बोलने के लिए बोलेंगे, लोगों के सामने खड़े रहना पड़ेगा और वहाँ से बोलना पड़ेगा, उसको ऐसा लगता है कि वो यदि खड़े रहा लोगों के सामने या लोगों के सामने मिलने गया, लोगों ने कुछ बातचीत किया, तो उसको इस तरह के एंग्जाइटी सिम्टम आएंगे, उसको इस तरह के लक्षण आ जाएंगे कि वो लक्षण से वो खुद अपमानित होगा या उसको लज्जा आएगी। मतलब इस तरह से लोग बर्ताव करेंगे, लोग हंसेंगे या ऐसा कुछ तो भी होगा कि जिसके उसका खुद का अपमान हो जाएगा या उसको शर्म आ जाएगी कि अरे मैंने ऐसा ऐसा किया, तो वो डर के मारे जाता ही नहीं, लोगों से मिलता ही नहीं है, टालते रह जाता लोगों को और घर में बैठे रहता है। कहीं भी अकेला जाना है तो अकेला जा सकता है, मगर लोग जहाँ जाएँ वहाँ वो टालते जाएंगे। तो फिर ऐसे लोग लोगों को, मतलब घर के लोग उनको कहीं ले जाते हैं तो वो बाहर जाने को तैयार नहीं रहते, पत्नी या पति उनको बोलते कि चलो बाहर जाएंगे, शादी में जाएंगे कि घूमने जाएंगे, तो बाहर जाएंगे नहीं वो, और जहाँ लोग हैं वहाँ तो बिल्कुल ही टालेंगे। उनको लोगों की एलर्जी रहती है, इन अ सेंस कि भाई एंग्जाइटी आ जाएंगी, चिंता हो जाएंगी, ऐसे लक्षण हो जाएंगे, घबराहट, बेचैनी, ऐसा कुछ भी हो जाएगा कि भाई फिर मैं मर जाऊँगा क्या, घबराहट होगी, मेरे को वहाँ से भाग जाना पड़ेगा, वहाँ से मेरा अपमान हो जाएगा, लज्जा शर्म आ जाएगी और मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा और वहाँ से भाग के मैं चले जाऊँगा तो अच्छा होगा नहीं, इसलिए फिर वो जाता नहीं है। ये जो लक्षण है, ये सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण है, काफ़ी लोगों को है, लोग बाहर ही जाते नहीं है। फिर हमको ताज्जुब लगता है कि जाते क्यों नहीं कोई फंक्शन में, कोई उत्सव में जाते क्यों नहीं, शादी या कोई बड़ा त्यौहार है उसमें जाते क्यों नहीं, लोगों से मिलते क्यों नहीं, बड़े लोग बोलेंगे भी नहीं बाहर कि उनको ऐसा प्रॉब्लम है, वो तो बोलते कुछ कारण देंगे, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे काम करने का है, नहीं ऑफिस का काम बहुत बड़ा है या वो करना पड़ेगा या बिजनेस का काम मेरे को करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी कारण देंगे और वो टालते जाएंगे। लोगों के साथ में उनको खाना जमता नहीं है, लोगों के सामने भाषण देना जमता नहीं है, और फिर यह घबराहट, बेचैनी, यह 6 महीने तक यदि रहा तो इसको बोलते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसका इलाज बिल्कुल अच्छा होता है, मतलब ये व्यक्ति अच्छा हो सकता है, इसका इलाज 100% हो जाएगा। उनका सम्मोहन उपचार है, साइकोथेरेपी मानसोपचार है, मेडिसिन्स है, REBT है, CBT है, ऐसे अलग अलग काउंसलिंग सेशंस हम लेते हैं और उनका इलाज करते हैं, जिससे वो व्यक्ति एकदम अच्छा हो सकता है। उनको यदि डीकंडीशनिंग किया जाए या डिसेंसिटाइजेशन किया जाए इनका, जिसको टाइम लगता है, तो ये पूरा का पूरा ये व्यक्ति अच्छा हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं कि ये बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है। लोग भी ऐसा बोलते नहीं, वो अकेला अकेला रहने वाला है, अकेला अकेला रहना पसंद करता है, उसका इलाज भी लोग करते नहीं है। जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतने लोग अच्छे हो जाएंगे, लोग मदद लेंगे डॉक्टर्स की और अच्छे होकर अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।